कोई आ रहा है। तुम कभी भी सरदरान तक नहीं पहुंच पाओगे। सरदरान सिर्फ मेरे बाबा के साथ खड़े होंगे। मेहमान रहेगा। क्या तुमने दूसरे कासिदों को भी वहां जाने से रोका? हमने सब रास्तों पे पहरा दिया हुआ है, कोई भी वहां से गुजर नहीं सकता शहजादे। मेहमत भाई, मैं आपको एक अहम खबर देने आया हूं। कहो क्या खबर है? अगर मेरी जगह कोई और होता तो इस मालूमात के बदले सोना मांगता। तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत मिल जाएगी। आज एक सिपाही संजक्स की करारगाह पर आया है, उस्मान का बेटा उरहान। संजक्स को शामिल होने का कहा उसने। क्या फैसला किया उसने? अभी तक कुछ नहीं। कुस्तुनतुनिया से एक कारवान आ रहा है, वो मिलकर उस पर हमला करेंगे, तब वो फैसला करेगा क्या करना है। तुम्हारी मालूमात अहम है। इसके लिए तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा कीमत मिलेगी। गुजमान जनाब, तैयारी करो और हान के मंसूबे को खाक में मिलाने की। सिपाहियों चलो। आ जाओ सिपाही, आ जाओ। Yeah!
करने हैं। खोलो फिरा। औरान, क्या कर रही हो तुम यहां? सरदार के बेटे, तुम वाकई बहादुर निकले, काफी माहिर हो। वाह वाह वाह, औरान सरदार का शिकार तो खूबसूरत है। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं?
शहजादे, दरमियान के सरदार ने वक्त जाया नहीं किया। हमारा फर्ज हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा, हिम्मत रखो। सही कहा। मैं अलाउद्दीन, सरदार उस्मान का बेटा। मैं सुल्तान हजरत से मिलने आया हूँ यहाँ। मैं गर्मियान ओलो के याकूब सरदार की बेटी गोंजा खातून। सुल्तान हजरत को पहले हम देखेंगे और बाद में कोई और। वजीर ने तमाम लोगों को हुक्म दिया है, सुल्तान से फिलहाल कोई नहीं मिल सकता। ये सब कुछ उनकी हिफाजत के लिए हो रहा है। सुल्तान हजरत ने हमें यहाँ खुद मधु किया है। ये उन्हीं का खत है। इस वक्त हमारे सुल्तान के साथ तबीब मौजूद हैं, और जब तक हमारे सुल्तान का इलाज नहीं हो जाता, हम मेजबानी करेंगे। मैं आपको आपके हुजरे तक ले जाता हूं गोंजा खातून। रात होते ही आप मुझे सुल्तान मसूद के पास लेकर जाएंगे। पीछे हट जाओ, पीछे। खातून के पास बताना, सिर्फ दिलेरी ही तुम लोग देखना चाहते थे ना? वो देख चुके हो। ठीक है, देख ली तुम्हारी बहादुरी, ठीक है, लेकिन कैदी और माले गनीमत दोनों हमारे हैं। इस जंग में सिर्फ तुम एक मेहमान हो। ये खातून और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वही करो जो मैं कह रहा हूं तुमसे। इसे कोई नुकसान नहीं होगा, हम इसके घर वालों को इसकी इत्तला देंगे और रकम की अदायगी के बाद इसे छोड़ देंगे। हमारे जाब्ते से तजावुज ना करें। इस बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, खातून की रिहाई सिर्फ सोने के बदले में ही होगी। जाओ अब यहां से। शहजादे मोहतरम, हम इन्हें शिकस्त दे सकते हैं। याद रहे कि इन्हें साथ शामिल करने आए हम यहां, इन्हें तबाह करने नहीं। फर्ज हमारा वाजे है। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं ऐसे कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा अपने लिए। खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें मंजूर है, बांधो इसे। सोचना भी मत इसे हाथ लगाने का। मैंने सोचा था कि सरदार हो, लेकिन लगता है खुद एक मुजरिम हो। एक दफा यहां से सही सलामत निकल जाए, उसके बाद हर चीज वाज़े कर दूंगा।
तो तुम मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दोगे, ऐसा है क्या? लौट कर जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए। इंतजार करना मेरा। और हाँ, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। और हाँ, मैं तुमसे कह रही हूं, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे यहां। डरो मत, अभी जाओ। यानी शहर जाओ और मेरे लिए सोने से भरा संदूक लेकर आओ, जल्दी। जो हुक्म आपका जनाब। आ जाओ। कुछ नहीं होगा ओलोफेरा, कुछ नहीं। सब्र करना। तुरहान सिपाही, जैसे ही काराली सोना लेकर आएगा हम निकल जाएंगे यहां से। जो आपका हुक्म शहजादे। तैयार है उरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लजीज खाना है। आ जाओ बहादुरो, खा लो तुम भी। हलाल को हराम बनाने की जरूरत क्या है मेहमत? अगर खाना ही है तो मांग सकते थे मुझसे। मांग कर कमजोर खाते हैं और हाँ, हम तो बगैर पूछे ही ले लेते हैं। चलो आज तो खाना ले रहे हो, कल हमसे और क्या क्या लोगे? हाँ बता दो ताकि हम छुपा सके। है ही क्या तुम्हारे पास? दो कले और दो छोटे से कबीले, इतना तो हम अपने लोगों में तकसीम कर देते हैं। इधर आओ, कुछ लेकर आओ इनके लिए। इनसे हमारी फतूहात हजम नहीं हो रही। कुछ पीने के लिए लाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो बच्चों की फतूहात पर खुश होने वालों में से हैं। जो फतूहात है ना हमारी, वो घमंड दिखाने के लिए हरगिज नहीं। हर कदम हमारा जिहाद के लिए है, लेकिन आप चूंकि खुश हो रहे हैं तो हम ऐसे ही आपको खुश करते रहेंगे।
अहमद साहब, भूख बाकी नहीं रहनी चाहिए। रुको रहान, हम जल्द मिलेंगे। मैं जानता हूं वो यहां सोना क्यों लाए हैं। वो जान जाएंगे कि हम में बड़ा कौन है। क्या हुआ, सरदार का बेटा नहीं लेने आया तुम्हें? तुम्हें और सरदार के बेटे को तुम्हारी असली औकात दिखा दूंगी मैं। तुम एक लालची हैवान हो। तुम सभी उस सोने में दफन हो जाओगे जिस सोने की इतने ख्वाहिशमंद हो तुम सभी। खातून को गुस्सा आ रहा है क्या? वो आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम। और हान साहब, तुम्हारे घोड़े की टांगे कमजोर है क्या जो इतनी जल्दी आ गए? कराली, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग यहां। ये रहा आपका सोना, खातून चाहिए। सुनो क्या कह रहा है, खातून चाहिए इसे। जैसे मेरे कारवां पे हमला करने वाला ये नहीं था, तुम हमलावर हो। तो तुम्हें ये लगता है इस खातून के बदले हम इतना सोना ले लेंगे? गलत सोचते हो। किसी को कुछ देने वाले तुम कौन होते हो? गुलाम नहीं हूं मैं। इस सब का हिसाब तुम लोगों से लेकर आऊंगी। तुम यहां बे मकसद आए, इसका सौदा तो पहले ही किसी से हो चुका है। जानते हो ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे सरदार? खातून मेरे साथ जाइए। कोई बीच में मत पड़े। और हां, मैंने कहा था ना तुमसे, कि हम किसी भी चीज की इजाजत नहीं लेते। समझ गया? और ये खातून, इसे मैंने छीन लिया। मुझे लेकर जाने वाले कौन होते हो तुम? कोई भी तुम्हें छीन नहीं सकता मुझसे। डरो मत। असल में डरने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम लोगों को है। कोई भी मुझे कुचले बगैर कोशिश भी नहीं कर सकता उस तक पहुंचने की। हिम्मत है तो उसे दिखाओ छूकर। कहां ना, ये खातून मेरी है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा। यहां हम अपने मफाद के लिए नहीं आए ओरहान। यहां मौजूद हर कोई सरदार याकूब के हुक्म का गुलाम है। बस
कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। ये फैसला तो तुम्हारे बाबा उस्मान करेंगे। वो दीगर सरदारान की तरह अपनी वफादारी भी जाहिर करेंगे। इस खातून के लिए तुम हमसे लड़ोगे ओरहान? तुम्हारी आंखों में गुस्से की आग है। अगर ये आग देख रहे हो ना तो पीछे हट जाओ, मैं वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ मेहमत। क्या तुम इस खातून से इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ, शादी करोगे इससे? समझ गया, ये वाजह है कि तुम्हें मोहब्बत है इससे। तो ठीक है फिर, मैं रुकावट नहीं बनूंगा इस मोहब्बत में। जाओ, इसे मैंने तुम्हें दिया। ये जर्फ हमें हमारे बड़ों से मिला है, मुश्किल में एक दूसरे की मदद करना जानते हैं। मेरा ये एहसान भूलना मत। याद रखूंगा। शुक्रिया तुम्हारा मेहमत। वैसे हम अपने ऊपर किए गए एहसानात को याद रखते हैं। ये तुमने जो भी किया है इसे हम एहसान नहीं मानते। सोच छोटी है तुम्हारी। छोटी सोच उनकी होती है जो एहसान फरामोश होते। फिक्र मत करो, बड़े जर्फ वालन छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अगर दोबारा तुम मेरे रास्ते में आए तो कुचल दिए जाओगे। ये लो, पियो इसे, अपने अंदर के गुस्से को ठंडा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, गुस्सा जो मेरे अंदर है उसे ठंडा करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ खून चाहिए। खातून को खोल दो। इसलिए क्योंकि तुमने मुझे तरख से बांधा था। ओरहान, लगता है बड़ी मुसीबत में फंस गए। तुमने भी जो कुछ किया है उसकी सजा भुगतोगे। चलो, संजक सिसलर, तमाम सरजमीनों के सुल्तान सरदार याकूब की तरफ से आप लोगों के लिए पैगाम लाया हूं। उन्होंने बैत की दरख्वास्त की है, खातून के बदले हमने सोने की अदायगी की है। आप लोग सही फैसला करेंगे, उम्मीद है मुझे। सलामत रहें।